आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से शिकायत की, बोली आधा अधूरा मिल रहा है वेतन, घर चलाने में आ रही परेशानी। शिवपुरी जिले में आज आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर नियमित रूप से एक मुश्त वेतन और प्रोत्साहन राशि दिलवाए जाने की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि उन्हें पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला है, उनकी वेतन में से कट कट कर राशि दी जा रही है, उससे उन्हें परिवार के संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि कई आशा कार्यकर्ता किराए का कमरा लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, ऐसे में वेतन न मिलने के चलते उन्हें आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इससे पहले जिले के सभी आशा कार्यकर्ता एक मुश्त वेतन और प्रोत्साहन राशि देने की गौहर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से गुहार लगा चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी फरियाद लेकर आज वह कलेक्टर के पास गई। सभी आशा कार्यकर्ताओं ने एक मुश्त वेतन और प्रोत्साहन राशि दिलाए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम ज्योति उचाड़िया है। किस पद में हैं आप? मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। तो ये आपके साथ में सभी आशा कार्यकर्ता हैं? हाँ। कहाँ पे पदस्थ हैं सभी? जी सब सीपरी जिले की हैं, अलग अलग वार्डो की हैं। किस समस्या को लेकर कलेक्टर? ये हम समस्या के लिए आए हैं, हमारा 5 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है और हमारे कट कट के पैसे आते हैं, कभी भी समय पर पैसे नहीं मिलता है हमारा। कितना भुगतान मिलता है? हमारा 6,000 मिलता है। कट पिट के कितना बचता है? कट पिट के हमें मान लो कि 4,000 रुपये तो 4-5 महीने से मिले नहीं है, 2,000 रुपये जो हमें रूटीन का मिलता है वो मिला है। तो फिर ऐसे में आप सभी के घर का खर्च कैसे चल रहा है? हम बहुत परेशानी में हैं और कुछ आशाएं तो किराए से भी रह रही हैं, क्योंकि उनको घर जो मकान मालिक उन्होंने निकाल दिया, उनके लिए बच्चे भी परेशान हैं और स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रही हैं, तो घर बिठा दिए बच्चों के लिए। अब ऐसे में अपना पालन पोषण कैसे करेंगी? और हम सुबह से ड्यूटी पे निकल जाते हैं, डिलीवरी के लिए भी जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है और हर बार हमारे पैसे बहुत कट के आते हैं। हमारा तो ये निवेदन है सर से कि हमारा समय पर पेमेंट कराया जाए। सर क्या कह रहे थे आज आप अंदर आए? सर का कहना ये है कि CMHO सर छुट्टी पर गए हैं, अब चार्ज किसी के पास है नहीं है, चार्ज जब किसी को मिलेगा तो उसके बाद अंगूठा लगेगा। कितनी आशा कार्यकर्ता होंगी जिले में, इनका अभी समस्या आ रही है? 48 आशा आए जिले में। सभी को समस्या आ रही है? सभी को समस्या। पैसे कटते क्यों हैं आपको? इनका कहना ये है कि पैसा फंड में पैसा नहीं है, कहीं जब भी हम कहीं जाते हैं CMHO ऑफिस में कहने के लिए तो वो लोग कहते हैं कि फंड में पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा उसके बाद देंगे। कटते नहीं, किस्तों में आते हैं, धीरे किस्तों में। नहीं आई नहीं है ना, 4 महीने से तो हमारे आई नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये आए बस, 25 दिन हो गए आ चुके हैं। अगर आगे आगे आपके इसी तरह चलता रहा तो आगे क्या करने वाली हो आप? आगे हम और आवेदन लगाएंगे जाके, और हमारी यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हम और आगे बड़े पद पे जाके लगाएंगे हम आवेदन।